शादी के लिए मुझे एक लहंगा सिलवाना है। अब वो कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। छवि बात समझ, एक बढ़िया ऑर्केस्ट्रा मंगाएंगे सूरज भैया के ब्याह के लिए, चार लोगों में इज्जत बढ़ेगी। नहीं मोहित भैया, एक ही चीज आ सकती है, या तो लहंगा या ऑर्केस्ट्रा। चूल्हे में आग कुनी और लाल टपके खिचड़ो खाने की। बहुत खर्चे होगा ब्याह में, अब ना ही थारी पोशाक आवेगी और ना ही थारा बैंड वाला। लेकिन बाबू गाना बजाना होगा तो मजा आएगा। हम लुगाया ही 16 गीत गा लेवेंगी, ई में ही सब आ जावेगो। ई सुई काम नहीं चले तो थारी मारो माथो बजा लीजिए। अरे विक्रम, ब्याह का काम अटका पड़ा है, थारे कने थोड़ा पिसा है के? हाँ बाबू, मैं सोच ही रहा था आपको पैसे देने की, पर बाबू सब तेरे तो है। वैसे बाबू अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपके हाथों में 50-60 हजार रुपए वही थमा देता बस। ये लीजिए, ले आई मैं आपके लिए साड़ियाँ। भाभी जी। अरे एक शादी के कार्ड, सही वक्त पे ले आए भैया। अच्छा जाते जाते पैसे राठी मिष्ठान भंडार से लेना, हमारी ही है। अरे सुनिए, एक बार देख तो लीजिए सब कुछ ठीक से तो है ना, जैसा आपने लिखवा कर कार्ड में भेजा था ठीक वैसे ही छापा है हमने। अरे भैया इसमें देखना क्या, शादी के कार्ड ही तो है, कोई साड़ी थोड़ी ना खरीदे जो देख दाख कर लेनी पड़े। आप जाइए। ठीक है, राम राम। राम राम। आजकल क्या है ना, धंधा इतना मंदा चल रहा है कि कस्टमर दुकान पे आ तो रहे पर सिर्फ पंखे की हवा खाने। 10 में से इक्का दुक्का ही होता है जो खरीदारी करता है बस। बाबू जी जी के ब्याह के कार्ड आ गए। कैसे हैं भाभी कार्ड? सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने खुद छपाई वाले के पास बैठकर सारा काम करवाया है, ऊपर का डिजाइन, बिंदायक जी की तस्वीर और अंदर का सारा कार्यक्रम। बाबू वो मुझे 2-3 कार्ड चाहिए अपने दोस्तों को देने के लिए, मैं ना ले लेती हूँ। अरे रुक, 7 गाँव की फुहड़ पहलो कार्ड भगवान ने चढ़े को। जा सूरज भैया ने दुकान से बुला लिया। अरे जाने। जी बाबू। कैसी हो बाबूसा, सब कुशल मंगल तो है? तन्ने मारे चेहरे पर के मातम लिखियो दिख रहे हो है काई? सब मंगल ही मंगल है, 9 दिन बाद मारे बड़े बेटे सूरज को ब्याह है। कहाँ की है ये लड़की? वो जान के छोरी के पियर तू गीत गाने जावेगी। अरे बहू आवे है तो उसका ठिकाना नहीं, गुण देखा जावे है और गुणा के मामले में किसी में 16 गुण होवे है, पर मेरी आने वाली बहू तो 21 गुण लेकर आ रही है। काम तो पानी की तरह पीती है, घर में टाइम बे टाइम 10 मेहमान आकर बैठ जावे तो उना की राम राम पूरी होने से पहले खानो परोस देवे है, इतनी पूर्ति है। उप्स भाभी, बहू चाहिए या कोई मशीन? सास की उम्मीदें देख के तो लगता है कि एक साथ 4 बहू आएंगी ना, तब जाके मामला संभल पाएगा। संध्या, भगवान ने तुम्हें भी ऐसी सास दी तो?
भाभी भगवान एक साथ दो लोगों को पनिश कैसे कर सकते हैं? मतलब? मतलब मुझे ऐसी सास मिलेगी तो वो मेरे लिए भी तो सजा होगी ना, और इनको मेरे जैसी बहू मिलेगी तो वो इनके लिए भी तो सजा होगी। मुझे तो उस बेचारी पे तरस आ रहा है जो इनके घर की बहू बनने वाली है। बेचारी 21 गुण संपन्न। क्या करें तुम दोनों यहाँ पे? हाँ चलना नहीं है, दर्शन कर लेते हैं। चलो